भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी को आज 101 वर्ष पूरे हो गए हैं। शहर के गंगा जमुना परिसर के सेक्स वर्कर, महिला हो या फिर कोई दीन दुखी समाज, सबके लिए अच्छा काम करने वाली शहर की रेड क्रॉस सोसाइटी अच्छा काम करी है। तो वहीं इस परिसर के सेक्स वर्कर ने अब तक कोई भी कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, जिससे सेक्स वर्करों में कोरोना का खतरा और भी बढ़ गया है। इस ओर जिलाधीश प्रशासन द्वारा तत्काल अमल करना बेहद जरूरी है। पेशे हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी गंगा जमुना से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नागपुर की जिला शाखा जुनी मंगल पारी है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। 8 मई 1828 को जिन हेनरी डिनॉड इनका जन्मदिन जागतिक रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। नागपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जनवरी 1957 को ही है। नागपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष नागपुर जिले के कलेक्टर रविंद्र ठाकरे और सचिव डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह है। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य समाज के लिए मूलभूत 7 तत्वों पर काम करती है, जैसे कि मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सर्वव्यापकता आदि मूल तत्व पर काम करते हैं। गंगा जमुना रेड लाइट नागपुर के सेक्स वर्कर के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सन 2000 से महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी मुंबई द्वारा HIV एड्स प्रतिबंध और नियंत्रण कार्य चला रही है। 2020 के लॉकडाउन में जिलाधिकारी NNSW यानी नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर संगठन द्वारा तथा नागपुर की अन्य स्त्री शक्ति संगठना द्वारा सेक्स वर्कर को पिछले लॉकडाउन में राशन व्यवस्था, मेडिसिन व्यवस्था की गई थी। नागपुर रेड क्रॉस द्वारा विविध इंडस्ट्री, कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिसेस तथा स्कूल कॉलेजों में प्रथम उपचार ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में रेड क्रॉस को आज 101 वर्ष पूरे हो गए हैं। समाज के लिए निशुल्क सेवा देने का काम दुनिया भर में रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना क्या कामकाज है, आइए अब हम बताने के लिए गंगा जमुना परिसर के उस एरिया में खड़े हैं जहाँ पे ये रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑफिस है। इस दफ्तर में हम आए हुए, हम भीतर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये वही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है जो पूरे विश्व भर में इसकी कई शाखाएं है। हम नागपुर ब्रांच महाराष्ट्र में यहाँ पे आए हुए हैं। इस समय में हमारे साथ में खुद हेमलता जी मौजूद है, जो कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी की मैनेजर है। आइए उनसे रुक करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों, हम आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी, ऐसे संस्थापक अध्यक्ष संचालक ऑफ है फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस जिन हेनरी डिनॉड, जो 1828 में इनका जन्म हुआ था और 1910 में वे पर्दा कर गए थे। लेकिन 193 वर्ष होने के बाद भी जिस प्रकार से ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कामकाज कर रही है, अपने आप में एक है। आइए हम सीधा रुक करते हैं, यहाँ की व्यवस्था मैनेजर मोहतरमा यहाँ पे है, हेमलता जी। मैडम, ये बताएं कि किस तरह से ये कामकाज होता है रेड क्रॉस सोसाइटी का, और समाज को आज इसकी कितनी ज़रूरत है ऐसा आपको लगता है? धन्यवाद। मैं हेमलता लोवे बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में। जैसा हमारा काम है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, कि हम गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में 2000 से काम करते आ रहे हैं। उनका HIV एड्स नियंत्रण प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र सरकार की ओर से, और बाकी भी हमारे अलग अलग कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, और जो भी डिज़ास्टर आता है, जो भी आपदा आती है, मैनमेड आपदा हो, नैसर्गिक आपदा हो, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है रेड क्रॉस सोसाइटी। और आज जैसा 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक जो है जीन हेनरी ड्यूनॉड का हर साल जन्मदिन मनाया जाता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग अलग अलग फाउंडर के मार्गदर्शन के साथ में काम करते आ रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी में। हमारा जो लास्ट ईयर कोविड पेंडेमिक था, उसमें गंगा जमुना रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अंतर्गत हम रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर के लिए काम करते हैं, उनको माननीय जिलाधिकारी रविंद्र जी ठाकरे, पालक मंत्री नितिन जी राउत, डॉक्टर RP सिंह सर, इनके द्वारा बहुत सारी हमको मदद मिली है जो सेक्स वर्कर को वहाँ तक दिलाई गई है।
लेकिन मैडम जब हमने मुआयना किया तो ऐसा देखने में आया कि यहाँ के कई ऐसे सेक्स वर्कर लोग थे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अभी वैसे भी वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन फिर भी वैक्सीन के लिए हम लोगों ने लेटर तैयार किया है और आवेदन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि राज्यपाल के साथ में हमारी अभी 27 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के रेडक्रॉस की मीटिंग हुई है। उसमें राज्यपाल सर ने ये बोला है साहब ने कि हर जो लोग है जो वायलेंस के अंतर्गत है, जो उपेक्षित है, उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है और वो शीघ्र ही वो सफल होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आप थे हेमलता जी जिन्होंने खबर पेपर के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से यहाँ पे कामकाज हो रहा है, और जहाँ वैक्सीन की बात की गई तो माननीय जिलाधिकारी जी इन्हें ये जो कामकाज है ऑफिशियल, वो प्रक्रिया पूरी तरह से वो प्रोसेस शुरू है, बहुत जल्द यहाँ पे भी वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेक्स वर्कर ज़रूर अपने घरों में, लॉकडाउन है, सब कामकाज बंद है, लेकिन वैक्सीन लेना उतना ही ज़रूरी है, चाहे को वैक्सीन हो या कोविशील्ड, लेना बेहद ज़रूरी है। और इसी के लिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी भी कामकाज कर रही है, और बहुत अच्छा कामकाज समाज के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के तमाम समाज सेवी सेविकाएँ जो है, यहाँ के कर्मचारी है, यहाँ की मैनेजर है, यहाँ के जो बड़े से बड़े जो अधिकारी है, हर कोई बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो जन्मदिन है, इन्होंने एक बीज लगाया था, आज उसका बरगद का पेड़ जैसा कामकाज हुआ है, और उसी की छाया में पूरा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की नागपुर शाखा से कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।